जय हिंद दोस्तों देखिए भारतीय तटरक्षक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड इसपे एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आ गया है इसपे टेंथ लेवल वालों के लिए भी वैकेंसी है ट्वेल्थ लेवल वालों के लिए भी वैकेंसी है और यदि आपने टेंथ के साथ साथ डिप्लोमा भी किया है तो उनके लिए भी वैकेंसी है ठीक है तो तीन तरह के क्वालिफिकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी निकला है जो सिंपल टेंथ पास है उनके लिए भी सीट है ट्वेल्थ वालों के लिए सीट है और भी बहुत सारा सीट है हम आपको बताएंगे और कौन कौन इसको भर सकता है कितना फी लगेगा कब से कब तक भर सकते हो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा क्या, -क्या, क्या सिलेबस है सारा ए टू जेड आपको जानकारी देंगे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट टोटल सीट कितना है 300 और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की है कि इस पर सिर्फ पुरुष अप्लाई कर सकते हैं महिलाओं के लिए यह वैकेंसी नहीं है सिर्फ मेल कैंडिडेट इसको भर पाएंगे फीमेल इसको नहीं भर पाएंगे समझ में आ गया क्लियर हो गया चलिए तो ओनली मेल कैंडिडेट इसको भर सकते हैं इस पर तीन सौ जो सीट है दोस्तों ये 300 सीट किस किस पोस्ट के लिए ध्यान दीजिए इस पे टोटल तीन तरह का वैकेंसी है पहला आपका है नाविक जनरल ड्यूटी जिसको कहते हैं नाविक जीडी इस पे आपका टोटल 225 सीट है ठीक है 300 में से 225 सीट नाविक जीडी का है जो कि सबसे ज्यादा इसी में है इसके बाद आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जिसको शॉर्ट में आप डीबी कह सकते हो इसके लिए 40 सीट है ठीक है और यांत्रिक पोस्ट के लिए पैंतीस सीट तो है, थीके है थीके? तो तीन में से दो हो गया नाविक जी का चालीस हो गया नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का पैतीस हो गया का टोटल कितना सीट हो गया टोटल तीन सौ पदों के लिए वैकेंसी निकला है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सीट पर मत जाओ कि कम है कि ज्यादा है भर दो और तैयारी में लग जाओ आपका एक सिलेक्शन पक्का रखा हुआ है ध्यान दीजिए इसके बाद बात करेंगे अप्लाई डेट कब से कब तक यह फॉर्म भराएगा तो देखिए 8 सितंबर 2022 से 8 नौ 2022 से लेकर के 22 सितंबर 2022 तक फॉर्म भराएगा यानी लगभग 15 दिन ही टाइम दिया गया फॉर्म को भरने के लिए ज्यादा टाइम इस वैकेंसी में नहीं दिया गया तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं कीजिएगा नहीं तो सर्वर यदि स्लो हो गया ना और आपका मन बोलेगा कि चलो भर देते हैं फिर भी आप भर नहीं पाइएगा इसलिए शुरू शुरू में यदि भर दीजिए यदि आपको मन है कि भरना है तो भर दो सोचा विचारी मत करो समझ में आ गया तो ये क्या हो गया 22 नौ तक आप भर पाइएगा इसके बाद एप्लीकेशन भी अब भरने में कितना पैसा देना होगा भाई तो देखिए भरने में आपको लगेगा यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं ओबीसी कैटेगरी के हैं ई एस कैटेगरी के हैं तब आपको दो सौ रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा इन तीन कैटेगरी वालों को जनरल ओबीसी और ई एस और बाकी बात करें एस सी और एस टी का तो इनको कुछ भी पेमेंट देना नहीं है और बात करें महिलाओं का तो महिलाएं तो फॉर्म भर ही नहीं सकती है समझ में आ गया तो यहां क्लियर हो गया जनरल ओबीसी और ई डब्ल्यू एस दो सौ बाकी एस सी एस टी का कुछ भी पेमेंट नहीं लगेगा इज दैट क्लियर चलिए अब बात करते हैं उम्र सीमा यानी एज लिमिट कितना होना चाहिए कितना से कितना के बीच आपका उम्र है तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो ध्यान से सुनिए यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं सामान्य वर्ग में हैं तो 18 से लेकर के 22 साल एज होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों का ठीक है और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको तीन साल का उम्र में छूट देगा यानी बाईस प्लस तीन कितना हो गया पच्चीस साल और यदि आप एस सी हैं तो आपको पांच साल का उम्र में छूट मिलेगा यानी बाईस और पांच कितना हो गया सत्ताईस साल यानी सीधी सी भाषा में कहें तो जनरल कैटेगरी वालों का एज लिमिट है अठारह से बाईस ओबीसी कैटेगरी वालों का एज लिमिट है 18 से 25 एस सी कैटेगरी के एज लिमिट है 18 से और 22 पांच कितना हो गया सत्ताईस साल ये हो गया एज लिमिट इतना से इतना के बीच यदि आपका उम्र है यही आपका एज लिमिट है तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं तो आप देख लीजिए आपका एज कितना है निकाल के देख लेना ठीक है इसके बाद बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान दीजिएगा तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है तीन पोस्ट क्या है नाविक जी डी सीट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच चालीस सीट है यांत्रिक का पैंतीस सीट है अब बात करेंगे नाविक जी डी जिसपे दो सीट है इस पे आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है टेन प्लस टू टेन प्लस टू में आपका फिजिक्स और मैथ होना ही चाहिए टेन प्लस टू में

परसेंटेज का कुछ भी डिमांड कुछ भी इस पर नहीं है इसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी इस सिर्फ सिंपल दसवीं पास मांगा है आपका कितन परसेंटेज है आप झारखंड बोर्ड यूपी बोर्ड राजस्थान सीबीएसई कहीं से भी आपने दसवीं पास कर रखा है कितना परसेंटेज आप मार्क्स के साथ तब आप इसके लिए एलिजिबल हो नाविक डीबी के लिए डोमेस्टिक ब्रांच के लिए इस पर केवल दसवीं पास मांगा है ठीक है और यांत्रिक वाला पोस्ट के लिए यदि बात करें जिसके लिए पैंतीस सीट है तो इस पे आपका टेंथ मांगा है प्लस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए डिप्लोमा किस पे होना चाहिए आपको यहां स्क्रीन में दिख रहा होगा इन सारी चीजों में यदि आपका डिप्लोमा है इनमें से किसी एक में तब आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हो टेंथ तो चाहिए ही चाहिए टेंथ के साथ आपका डिप्लोमा भी मांगा है यांत्रिक पोस्ट के लिए ठीक है डीबी पोस्ट के लिए सिर्फ टेंथ पास चाहिए जीडी पोस्ट के लिए टेंथ प्लस टू मैथ फिजिक्स होना चाहिए ठीक है चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा किस किस प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए तो देखिए इसमें परीक्षा होगा रिटर्न टेस्ट अभी हम सिलेबस फिजिकल सब चीज आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे समझ में आ गया क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बचता ना इसलिए आधा चीज हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे पीडीएफ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ठीक है देखिए स्टेज वन हो गया रिटर्न टेस्ट यानी आपका पहले लिखित परीक्षा लेगा स्टेज टू जो होगा वो होगा फिजिकल स्टेज टू क्या है इस पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसपे आपका पीएच मतलब आपको मेजरमेंट करेगा छाती नापेगा और आपका हाइट मापेगा ये सारी चीजें होंगी इसके बाद दौड़ वगैरह आपका होगा सभी हम बताएंगे अभी ध्यान दीजिए तो स्टेज टू में होगा फिजिकल स्टेज थ्री की यदि बात करें तो इस इसपे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जितना भी कागज पत्थर है मैट्रिक का मार्कशीट इंटर का मार्कशीट इस सारा चीज को आपका चेक करेगा समझ में आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीसरा स्टेज में है चौथा स्टेज आपका ट्रेनिंग है इसी में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा तो इन मेजर फोर स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा यदि आपको पक्का सिलेक्शन लेना है तो इन चार स्टेप को आपको पार करना होगा तब आपका सिलेक्शन इस पे होगा तो चलिए हम देख लेते हैं कि रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या है फिजिकल में हाइट चेस्ट कितना मांगता है ये सारी चीजें आपको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं नोटिफिकेशन यानी जो ऑफिशियल विज्ञापन आया है इसका इसके बाद फिर यहां वापस आएंगे और भी आप लोगों को कुछ जानकारी हम देंगे तो चलिए चलते मोबाइल

ध्यान दीजिएगा यहां पर यदि बात करेंगे दोस्तों हाइट के बारे में देखिए तो मिनिमम हाइट आपका मांगा गया है एक सौ संतावन सेंटीमीटर ठीक है मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए एक सेंटीमीटर और यहाँ पर कुछ कुछ राज्यों के विद्यार्थियों को छूट भी दिया गया पांच सेंटीमीटर का इनको छूट मिलेगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि असम है नागालैंड है मिजोरम है मेघालय है अरुणाचल प्रदेश है मणिपुर है त्रिपुरा गढ़वाल सिक्किम अंडमान निकोबार आइलैंड हाइट स्टैंडर्ड में भी रिड्यूस्ड

होना चाहिए ठीक है प्लस माइनस टेन परसेंट जो है एक्सेप्टेबल यानी दस परसेंट तक इस पे प्लस माइनस हो सकता है इसको स्वीकार किया जाएगा और हियरिंग आपका सुनने की जो क्षमता होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए और यहां पर आपको लिख रहा है कि आपका ईयर यानी कान जो है वो पूरी तरह साफ होनी चाहिए और टैटूज के बारे में लिखा गया आप लोग बहुत ज्यादा कॉमेंट करते हैं कि टैटू के बारे में आप बताइए तो परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड जो टैटू जो है आप परमानेंट बनवाए अपने बॉडी में वो परमिटेड नहीं होगा समझ में आ गया तो तो ये है फिजिकल का कुछ रिक्वायरमेंट तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आपको हम सारा ए टू जेड बता दिए यदि आप सिंपल टेंथ पास हैं तब आप इसको भर पाइएगा ठीक है डीबी के लिए यदि आपका टेन्थ प्लस टू में साइंस है तब आप इसको भर पाइएगा जीडी पोस्ट के लिए और यदि आपका टेंथ के साथ डिप्लोमा भी है तब आप यांत्रिक पोस्ट के लिए भर पाइएगा और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनके पास सिर्फ टेंथ है तो आप डीबी पोस्ट के लिए अप्लाई करो इस वाले पोस्ट के लिए जिसके लिए चालीस सीट है समझ में आ गया और यदि आपका टेन प्लस टू में साइंस है फिजिक्स है मैथ है तब आप इसके लिए जो सबसे ज्यादा सीट है दो सौ पच्चीस सीट इसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो ये वैकेंसी निकला कोस्ट गार्ड में अब इसका जॉब प्रोफाइल की यदि बात करें तो आपकी ड्यूटी कहां पर ली जाएगी हमारे भारत का यदि आप मैप देखोगे तो जो भी जलवर्ती क्षेत्र है ठीक है जो भी मतलब वाटर एरिया है जैसे कि अरब सागर वाला एरिया है हिंद महासागर वाला एरिया है या फिर क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है तो जितना भी समंदर वाला क्षेत्र है जो भी तटवर्ती क्षेत्र है उसको कहते हैं कोस्टल एरिया ठीक है हिंदी में कहते हैं तटवर्ती क्षेत्र तो वहीं पर आपकी कहीं ड्यूटी होगी हो सकता है आपकी ड्यूटी कोलकाता में हो जाए आपकी ड्यूटी विशाखापत्नम में लग जाए आपकी ड्यूटी गोवा में लग जाए मुंबई में लग जाए तो जितने भी तटवर्ती क्षेत्र है यहां पर आपकी ड्यूटी हो सकती है क्योंकि ये कोस्ट गार्ड है कोस्टल गार्ड है समझ में आ गया तो वैकेंसी अपने आप में काफी अच्छा है और टेंथ पास मांगा है ट्वेल्थ पास मांगा है तो यदि आपका क्वालिफिकेशन है इतना एज लिमिट है यदि आप तैयारी करते हैं सरकारी वैकेंसी के लिए तो यह भी एक गवर्नमेंट जॉब है आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो कोई दिक्कत होने वाले नहीं है और किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए जय हिंद